तो चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज 1.5 × 10^6 किलोमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम, हाँ देखो, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन मतलब ये यहाँ पर सन है, और सन से अर्थ की डिस्टेंस अगर देखोगे, ये अर्थ है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सन फर्स्ट केस में R1 = 1.5 × 10^6 किलोमीटर है, और अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना होता है? व्हेन द डिस्टेंस ऑफ इमेजिनरी प्लेनेट द सन इफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, और इसका 365 डेज में ले रहा हूँ अर्थ का टाइम पीरियड, तो ये कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द इमेजिनरी प्लेनेट निकालना है अगर टाइम पीरियड 2.8 ईयर्स हो, ठीक है ना। ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल प्लेनेट है, तो इसका डिस्टेंस हमें निकालना है। बात समझ में आया? 365 डेज मतलब 1 ईयर के इक्वल है, समझ में आया? तो अगर तुम देखोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो बेसिकली केपलर्स लॉ क्या कहता है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्यू, मतलब ये आ जाएगा R2/R1 की वैल्यू आ जाएगा टाइम पीरियड T2/T1 दूसरे केस का, और ये 2/T1 = 2/3। तो यहाँ से जो R2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी R1, और यहाँ से T2 दूसरे केस में टाइम पीरियड T2 आ जाएगा 2.83 ईयर, और डिवाइडेड बाय 1 की पावर 2/3, ठीक है। तो यहाँ से जो R2 आ जाएगा फाइनल डिस्टेंस, R1 की वैल्यू रखो, तो R1 कितना था यार, तो R1 था, देखो यहाँ पे R1 था 1.5 × 10^6 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ से तुम देखोगे, और यहाँ से 2.83 × 2 की पावर 3, तो यहाँ से 2 की पावर 3 अगर तुम देखोगे तो डिस्टेंस D2। तो फाइनली इस मैथमेटिक्स को तुम सॉल्व कर लेना, तो डिस्टेंस R2 की जो वैल्यू आ जाती है वो R2 3 × 10^6 किलोमीटर आ जाती है। आप इसको खुद कैलकुलेट कर लेना, तो 3 × 10^6 किलोमीटर मतलब ये हुआ हमारा, यहाँ से तुम देखोगे तो मतलब ये हुआ, फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी गलत, हाँ ये थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी गलत है।